साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं 5-6 उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, जिसमें वीज़ा, फ्लाइट, फाइन और लॉकडाउन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दुबई वालों के लिए। क्वारंटाइन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट में बात कर लेते हैं भाई दुबई में कोरोना अपडेट, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट कोरोना से ही। कोरोना डाउन है तो काम सही है, कोरोना अगर ऊपर जा रहा है तो ये मान लीजिए काम गड़बड़। तो बात कर लेते हैं साथियों, दुबई में कोरोना अपडेट लगभग 35,000 प्लस अभी तक पॉजिटिव केस हैं, उनमें से 270 डेथ हुई है। डेथ रेशो बहुत कम है दुबई में भाई, बहुत कम है। पता नहीं क्या रीजन है या कैसे दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। डेथ रेशो बहुत कम है, रिकवरी भी ठीक है, 19,000 के करीब है। तो ये मान लीजिए 15,000 एक्टिव केस है। तो कोरोना इसी वजह से भाई दुबई ने फर्स्ट स्टार्टिंग करते हुए गल्फ कंट्रीज में सबसे पहले दुबई ने स्टार्ट किया, और मेरे हिसाब से गल्फ में नहीं पूरे वर्ल्ड में मुझे ये लग रहा है सबसे पहले दुबई है स्टार्ट करने वाली रिकवर। दोबारा 100% काम स्टार्ट हो चुका है दुबई में। आज की डेट में अगर बात करें तो 100% पूरा सिस्टम ओपन है। जो ऑफिसें थी उनमें जैसे 30% 40% वर्कर काम करने की जो सिस्टम था उसको भी हटा के 100% वर्कर काम पे जाने लग गए हैं। और इस वजह से भाई वर्करों की डिमांड बढ़ेगी। कोई बोलता है दुबई में जॉब कम होंगे, इसका रीज़न मैं बता दूँ कि बहुत सारी दुनिया जॉब छोड़ छोड़ के चली गई या जा रही है, चाहे वो इंडिया आ रही है, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कोई भी कंट्री वो आ रही है वापस। लेकिन अभी 100% काम ओपन हो चुका है, जो गए उनकी जगह काम तो कंपनियों को ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी, तो नए जॉब के अवसर अभी उत्पन्न होंगे, ये गारंटेड बात है। तो भाई जो दुबई में बैठे हैं वो थोड़ा सा और वेट कर लें, चाहे अपने घर से खर्चा खाना पड़े, अगर आप जून जून निकाल दोगे तो 100% आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पक्का जॉब मिलेगा, वीज़ा भी लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 2 जून से 8 जून के लिए साथियों आबू धाबी ने कर्फ्यू लगा दिया, यानी स्टॉप, इधर से इधर नहीं जा सकते, जैसे लॉकडाउन जिसको बोल सकते हैं, यानी आप कोई भी दूसरे स्टेट से आबू धाबी स्टेट में नहीं जा सकते 2 जून से 8 जून तक के लिए। इसका रीज़न ये बताया गया है कि भाई जो लॉकडाउन के दौरान 7 दिन में हम ये ट्राई करेंगे कि जो केस चल रहे हैं कोरोना अपडेट की, जो सिस्टम के बारे में, उसके अपडेट के बारे में, उसका अपडेट लेने के लिए कि कितना पॉजिटिव है, उससे रिलेटेड ये कर्फ्यू लगाया गया है मात्र 7 दिन के लिए। कोई भी बंदा नहीं जा सकता, अगर फिर भी जाएगा तो भाई जुर्माना लग जाएगा, चाहे आप इधर से उधर जा रहे हो। अगर आपके पास स्पेशल पास है पुलिस, पुलिस से ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अगर आपने ऑनलाइन परमिशन ले रखी है तो आप जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, सर हमारी आबू धाबी से फ्लाइट होगी, तो भाई उनका बता दूं कि अगर आपके पास फ्लाइट होगी तो वीज़ा भी होगा, आपके पास टिकट भी होगी, आपके पास पासपोर्ट भी होगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आबू धाबी से फ्लाइट पकड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बिना फ्लाइट वाले आ जा नहीं सकते आबू धाबी के अलावा दूसरे स्टेट होंगे। नेक्स्ट अपडेट साथियों बता दूं कि जो मार्च से पहले पहले का जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए थे, जिनके फाइन से रिलेटेड हर बार बताना पड़ रहा है भाई, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, मार्च से पहले जिनका वीज़ा एक्सपायर हुए वो इंडिया आना है या दूसरी कंट्री पाकिस्तान नेपाल जाना है, उनका वीज़ा स्टेटस आपको चेंज करवाना पड़ेगा, समझ गए आपको। अभी क्यों काम 100% ऑन हो चुका है, पूरा सिस्टम रूटीन में है, तो वहाँ का ऑफिस, जो ऑफिस हैं, वीज़ा ऑफिस हैं, इदारे हैं, वो सब ओपन हो चुके हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ जाके अपना वीज़ा स्टेटस आपको चेंज करवाना होगा, जिसमें फ़ाइन माफ़ होगा, तब आप अपनी इंडिया के लिए प्रस्थान कर सकते हैं या दूसरी कंट्रियों के लिए जा सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। साथियों की दुबई के लिए भैया फ्लाइट और आएंगी, अभी टेंशन ले लें, 13 जून के बाद में भी बहुत सारी फ्लाइटें, 30 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो मिशन 2 चल रहा है ना, इसको ये मान लो 3 चल जाएगा, 30 तक कर दिया गया। इसका मैं इससे बता दूं कि गवर्नमेंट ने हालांकि कोई घोषणा अपने मुंह से नहीं करी है, लेकिन जो यूरोपीय कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए मैं बता दूं आपको फ्लाइटें स्टार्ट करी हैं 15-16 जून से 30 जून तक के लिए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि फ़्लाइटें तो रेगुलर रहेंगी एयर इंडिया, अभी तक प्राइवेट फ़्लाइटों की घोषणा नहीं हुई है, और मेरा मानना है कि 15 जून से 20 जून के बीच में ये घोषणा हो सकती है, सिस्टम अगर सही रहा तो। और क्वारंटाइन के भी भैया अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, कि मुझे लग रहा है कि 15 तारीख या 12-13 तारीख के बाद में क्वारंटाइन में भी जैसे 7 दिन से 14 दिन हो सकता है, 1-2 दिन रखें फिर आपको घर भेज दें, ऐसा कुछ नियम निकल के आने की संभावना जताई दे रही है, बाकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ ये नहीं आई है, मेरे पास जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, आपके बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं बॉम्बे के लिए फ़्लाइट दुबई से नहीं है भाई, तो मैं बता दूं ये पूरी संभावनाएँ, अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ठाकरे साहब, उन्होंने स्पेशली मांग की है कि भाई
गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मैसेज आया है उसका अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बॉम्बे के लिए फ्लाइट स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है अभी इसी हफ्ते में दुबई से बॉम्बे के लिए। तो साथियों आपको अपडेट कैसी लगी, यही 5-6 अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।